बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ इस फली का दालचा। इसमें गोश्त भी डालूँगी तो ये बहुत टेस्टी बनता है। ये मैं डिनर के लिए तैयार कर रही थी। यहाँ पर इसके लिए मैं यहाँ पर गोश्त को गला रही हूँ। इसे सॉफ्ट होने तक हम गलाएंगे। इसमें मैंने ऐड किया है टमाटर। तो ये है दाल, इसे अब हम घेट लेंगे। दालचे के लिए दाल भी इसमें डाली जाती है, ये भी ये दालचा कहलाता है। तो ये है तुअर और मसूर। तुअर की दाल थोड़ी सी है, मसूर की दाल ज़्यादा। दो मिक्स कर बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। इसमें इमली का खट्टा निकाल कर डाला जाता है, इमली का पल्प। तो इसे थोड़ी देर के लिए भिगने के लिए रखना ज़रूरी होता है। पहले इसे वॉश करना होता है, फिर इसमें पानी डालकर इसे भिगा लेंगे। उसके बाद इसका जो हमसे खट्टा होता है इसका निकाल देंगे। तो यहाँ पर है मौस, इसे हम कवर में से निकाल देंगे। तो ये जो छींटे होते हैं ना इसके ऊपर, ऐसे मौस बहुत टेस्टी होते हैं, जैसे ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं इसके ऊपर। और ये मेरी उंगलियां काली हो गई इसलिए कि मैंने इसे अनार छीला था, उसी का रस लेकर फिंगर्स ब्लैक हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है मेरा फ्रिज। तो क्या है कि अभी इसे फ्रूट्स अच्छे से जमाना है। नीचे मैं रखती हूँ वेजिटेबल्स। और यहाँ पर है जाम भी। तो यहाँ पर मैंने जाम काटा है, इसे मैं कभी कभार नमक मिर्च लगाकर भी खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन वैसे भी खा लेती हूँ। तो आपको किस तरह से खाना पसंद है? और सीजन वाले फ्रूट्स तो बहुत टेस्टी होते हैं। अब जैसे कि कौन सा सीजन चल रहा है जाम वाला, तो ये देखिए यहाँ पर दालचा बन चुका है। थोड़ा सा पकना है, ये देखिए फली। जिसे हम मोरिंगा भी कहते हैं, ये मोरिंगा की फली कहते हैं। तो यहाँ पर है चॉकलेट्स। आपको कौन सा चॉकलेट्स पसंद है कमेंट से जरूर बताइए। यहाँ पर चल रहा है टी टाइम, तो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ। ऑलमोस्ट मैंने आधी पी ली है। अभी अभी नाश्ता हुआ, उसके बाद मैं चाय ले रही थी। आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। और ये मेरा रेसिपी चैनल है, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो ये देखिए, ये है मुरकुल स्नैक, जिसे मुरकुल भी कहते हैं। तो ये है स्नैक। तो ये पूरा डब्बा फुल था, लेकिन दूसरे दिन दोपहर तक इतना खाली हो चुका है। बहुत टेस्टी है ये। तो ये मैं पड़ा 250 का। तो अगर हम इसे खुला खरीदेंगे तो ये 1 रुपए में 1 आएगा। तो अब मैं कर रही हूँ ये काम, ये जो लहसुन है इसे मैं छील रही हूँ पकाने के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
यहाँ पर है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पर बना रही मैं खिचड़ी। खिचड़ी के लिए यहाँ पर मैंने पानी चढ़ा दिया है, बघार दिया है। देखिए, इसमें पहले मैंने दाल डाल दी है। अब जैसे ही इसमें थोड़ा सा उबाल आना शुरू हो जाए पानी में, तो इसमें मैं चावल वॉश करके ऐड कर दूंगी। और ये है कद्दू का दालचा, ये देखिए कद्दू के पीसेस। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, होता है खिचड़ी और दालचा, या नहीं तो बघारा खाना और दालचा, वेरी टेस्टी। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पानी थोड़ा सा उबलने के स्टार्ट होने वाला है। तो ये था मेरा ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।